गल तो यह है वो ना क्या है बई रिश्ता असि देने अच्छा। तेरे पोत्र काम भी करते हैं तेरे पोत्र सोने भी है ते सिरर जड़ा है ना जी वीडियो है ना ये अच्छा। साड़ी छोर दी ना बनावे ते आप बनाइंदा रहे ते ऐसा मैं आ गया भी वो हकला की मैं बनावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुमामीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं वो इसीलिए कि अम्मी जी तायाबू और मुनीर भाई रात को गए थे भाई का रिश्ता जिधर से हमने लेना है उनके घर जवाब लेने के लिए। तो अभी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं तो रात को सो गई थी, तो सब गए थे, जब आए तभी मैं सोई हुई थी, तो सुबह सुबह उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, कहते हम दिन को बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, सारे काम शाम अभी हमने कर लिए और सब बैठ कर उधर भी बातें कर रहे हैं, मैं भी चलकर देखती हूँ भी क्या सलाह मशवरे हो रहे हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। और अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें। और अभी हम चलते हैं उनके पास। तो माशाल्लाह से आज धूप भी काफी अच्छी निकली हुई है, साथ में हवा भी है, इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही। और आज फिर हमने इधर वाली थड़ी को बना दिया बिल्कुल नया नया अम्मी जी ने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे धिया पुत्राओ, अस्सलाम वालेकुम। और फातिमा इधर बैठी हुई है मुड़े पे, सलाम करो। वालेकुम सलाम। ऐसे नहीं करना होता, रोज ही वालेकुम अस्सलाम। दूसरे वाला आंटी को सलाम करो, आंटी सारा मेरा प्यार आपके लिए। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि फातिमा जब सलाम करती है तो क्या कहती है समझ नहीं आती, तो सिस्टर फातिमा कहती है आंटी सारा मेरा प्यार आपके लिए आपके लिए। और अभी मुनीर भाई भी आ गए। रमजान मुबारक का लास्ट जुमा मुबारक। वालेकुम खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये फूल तो देखो, ये वापस आप क्यों करूं, जब चीज दे दे तो फिर वापस नहीं लेते। नहीं, मैंने किसी और को भी देना है। वैसे गुलदस्ता बहुत अच्छा बनाया है लकड़ी का। हाँ जी। अब किसको देना है? ये देखने वालों के लिए दिए। अच्छा, दो फूल लटकाए हुए। रमजान मुबारक, आखिरी जुमा मुबारक। माशाल्लाह सोना है। ये सुबह से कोई चीज अंदर बैठ के तैयार कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं आज इसको खैर हो, ये तैयार कर रहे थे। हाँ जी, ये फातिमा के लिए लास्ट में। ये फातिमा तो खराब कर देगी। फातिमा मुझे दे दो, मैं रख लूंगी संभाल के। फातिमा दे दो, वापस करो। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, तो तायाबू और मुनीर भाई गए थे चारा लेने के लिए, तो उधर बाहर फूल लगे हुए, तो इन्होंने उधर से फूल लाए हैं ताकि हम जब कब्रिस्तान जाएं तो उधर भी उनको भी दें उनके कब्रों पर। और ये दो फूल इसने उसमें से निकाल कर गुलदस्ता सा बना दिया और सबको दे रहा है, ये लो जुमा मुबारक जुमा मुबारक। एक बंदे को देना चाहिए जो इसे रखे भी। चलो कोई बात नहीं, खुशबू बहुत प्यारी है। और अम्मी जी आप सबसे मैंने पूछना है कि क्या खुशखबरी है हमें बताएं, उससे पहले मैं नज़ीर भाई को बुला कर लाती हूँ। वो अंदर बैठ कर आज अपनी बहुत ही तैयारियाँ कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा खुशी है, शायद जुमे की या फिर रिश्ते की, है ना अम्मी। हाँ पुत्र, अल्लाह जुमा भी नसीबा च करे, आखिरी जुमा है। हाँ जी, अल्लाह उन्होंने खुशियां देवे जुमे दिया भी, ते अल्लाह उन्होंने खुशियां शादी दिया भी देवे। हाँ जी आमीन। हाँ। अभी मैं उनको बुला कर लाती हूँ, फिर आकर अम्मी जी से हम बात करते हैं और फिर पूछते हैं। अभी वो अपने मशवरे कर लेना, फिर मैं इनसे पूछ लेती हूँ। अभी है नज़ीर भाई अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो आपकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही, खैर है? आज रमजान शरीफ का, अस्सलाम वालेकुम, रमजान शरीफ का आखिरी जुमा है, तो मैं इसलिए तैयार हुआ हूँ और सफेद कपड़े पहने हैं और नीचे खेड़ी पहनी है, नया जूता, नए कपड़े, माशाल्लाह। ये जूता 5 साल पुराना है, इसको मैंने पॉलिश करके ये पहना है, ये खेड़ी। अच्छा, और कपड़े नए हैं, आखिरी जुमा है ना, तो आखिरी जुमे में पहन लेते हैं, शायद अल्लाह ताला राजी हो जाए हमसे। तो अभी मैं तेल लगा रहा हूँ, तेल लगा के ना, तो फिर आप जल्दी से भाई अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। अम्मी जी मुनीर भाई और तायाबू गए थे ना रात को, तो उन्होंने क्या बात की है मुझे भी उन्होंने अभी नहीं बताया, फिर हम मिलकर चलते हैं और उनसे पूछते हैं अभी क्या बात हुई है, आखिर हमें भी पता चले ना, रात से बता ही नहीं रहे। सही ठीक है, मैं तो भाई जुमे के लिए तैयार हुआ हूँ, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा।
बिल्कुल ऐसा ही। तो अल्लाह ताला को पहले राजी करना चाहिए, अल्लाह ताला राजी है तो सारा हर चीज आपसे राजी है, अगर अल्लाह ताला निराज है तो फिर हर चीज आपसे निराज है। बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने कहा भाई भाई को रिश्ते की शायद इतनी ज्यादा खुशी है, इसीलिए आज सुबह सुबह नहा के। रिश्ते की इतनी खुशी नहीं है, बस जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, इस तरह कहते हैं ना जोड़े आसमानों में बनते हैं। हाँ जी। तो अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा, पहले अल्लाह ताला को राजी करेंगे, उसके बाद जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, जो हमारे हक में अच्छी होगी, वो अल्लाह ताला हमें अता कर देगा। हाँ जी। और हमारे देखने वालों ने भी बहुत सारी दुआएं की हैं आपके लिए भाई, वो कह रहे थे भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको बीवी भी अच्छी थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मेरे बहन भाई आपका। और हमारे देखने वाले एक हमारी सिस्टर या भाई हैं, वो ये भी कह रहे थे कि आपके भाई फैशन भी नहीं करते फिर भी इतने ज्यादा प्यारे हैं। तो देखें भाई आज मेरे भाई ने भी थोड़े से फैशन कर लिए। कोई नहीं करता हूं, देखें जी ये सरसों का तेल मैंने लगाया हाथों पे और सर पे, अभी भी इसको कंगी शंगी कर लूंगा। बाकी करीम शरीम मैं खतीजा को ही मना करता हूँ, करीम शरीम नहीं लगानी, जो अल्लाह ताला ने चीज बनाई होती ना बस वही ठीक होती है। बिल्कुल ऐसे वो सबसे ओरिजिनल चीज होती है, अच्छी चीज होती है। हाँ जी। अभी हमारी वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप जल्दी से बाहर आए अम्मी जी से पूछ कर, फिर आज हमने सबके कमेंट शामिल करने मैंने लिख लिए। काफी सारे हमारे देखने वाले नाराज हो रहे थे भी आप कमेंट शामिल क्यों नहीं कर रहे, तो आज हम सबका नाम लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आप चले, मैं आता हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। आप पूछिए उनसे क्या बात हुई रात को। मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नजीर भाई को भी साथ लेकर आओ, फिर सब जना बैठ कर बात करते हैं। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं और नजीर भाई आ गए अपनी मुकम्मल तैयारियां करके। अभी पूछते हैं सबसे कि क्या बात हुई है, फिर हमें भी पता चले ना, फिर अल्लाह ताला के घर में जाएंगे नमाज पढ़ने के, पहले हम पूछते हैं। हाँ जी अम्मी जी, क्या बात हुई है? वो तो गल है और ना क्या है भाई, रिश्ता सी देने हैं। अच्छा। तेरे पोत्र काम भी कर दे, तेरे पोत्र सोने भी है, ते सिर्फ जेड़ा ना जेड़ी वीडियो है ना। अच्छा। ए साड़ी छोर दी ना बनावे ते आप बनाइंदा रे, कैसा मैं आ गया भी वो अकेला की मैं बनावे वीडियो भाई, तो इतना आपा बुरा काम को नहीं करने है, अपने हाँ। पूरे लिबास विच, अपने पूरे हिजाब विच, अपना पूरे इज्जत दे दायरे विच, मैं आप इस चीज नु बड़ा पसंद करना, मैं कदे आपा दुपट्टा नहीं उतारिया, कदे कुछ नहीं कीता हाँ। ते इतनी बुरी चीज तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने सोच है जी। हां जी, सोच है में दियो आंदन भाई, साडी छोर दी वीडियो ना बनावे, आदी भावे बना लवे ते ता से रिश्ता देने है, नहीं ता से नहीं देने। रात को ताया अबू और अम्मी जी हम तीनों गए थे उनका वर्जवा दोबारा से पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें तो तब आपको रिश्ता हम दे देंगे, वरना हम रिश्ता नहीं देंगे। भाई देख ले हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, वो कह रहे आज वीडियो छोड़ दें। ये समझ लें कि मैं, मुझे कुछ नहीं आता था ना, बिल्कुल जीरो था, अनपढ़ था, मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था, मुझे इसका शौक लगा था यूट्यूब का, तो मैंने इस पे तकरीबन 8-9 साल मेहनत की है, पूछते पुछाते लोगों से, अभी तक मुझे सही वो समझने का लिखना पढ़ना आता है, सब कुछ काम मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि मेहनत देखी मेरी। बिल्कुल मेहनत भी है और साथ में उस फैमिली को भी इज्जत के दायरे के अंदर रख के अपना साथ चल जाऊंगी, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अम्मी जी। फिर अब पोत्र मैं आख्या है जिथे मेरे दिल की थी मैं कर लई सा, ब्यादरी को मंगती हूँ नहीं। सही है। हाँ हमने तो अपना हक अदा कर दिया भाई, सबसे पहला हक होता है रिश्तेदारों का होता है बिल्कुल, तो अगर वो नहीं मानते तो उनकी मर्जी है, हम उनको भी बुरा नहीं कह सकते, उनकी सोच भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसा कोई काम पहले नहीं करता था, सबसे पहले हमने किया है, तो उनकी सोच भी अपनी जगह ठीक है, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते और हम भी अपनी जगह सही है, तो बस अल्लाह पाक उनका भी खुश रखे और हमें भी खुश रखे। ताया अबू से तो पूछ लें। हाँ जी ताया अबू जी, आपकी क्या राय है? ठीक है मोड़ नहीं की गाल लो इसी राती तुसी दसो ना तफसील ना गाल जड़ी फजल तो करदा आके भी असल में तो ताया अबू जी को अफसोस है कि उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, ताया अबू जी इसीलिए नहीं बता रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ताया अबू ज्यादा कहते थे, बड़े हमारे ज्यादा कहते थे कि हम बलादरी में रहे, रिश्तेदारों में रहे, क्योंकि रिश्ता बाहर हो गया ना तो हम बाहर निकल जाएंगे, तो अभी पहले तो हमने मसलन कि उनको तरजीह दी है रिश्तेदारों को, हाँ तो अभी वो नहीं माने तो उनकी अपनी मर्जी है जी। बिल्कुल पोत्र मेरी गाल सुने ना,
नहीं मनते तो ना मने जिथे मां प्यो दी मर्जी नाल करें ना ते जिथे दिया पोत्र खुश रहे ओथे मैं कर सा जिथे तू खुश रहे हो ना ओथे कर। आप भाई हमने आपका रिश्ता नहीं ढूंढना, आपने खुद ढूंढना, सही है ना? मैंने खुद ढूंढना। हाँ जी, सोच में पड़ गए। अल्लाह देसी। चलो ये वीडियो के अंदर जो हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे को थोड़ी सी मदद करेंगे या हमारी हेल्प करेंगे रिश्ता ढूंढने में। हाँ, रिश्ता ढूंढने में अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई जो अल्लाह पाक जो हमारे हक में बेहतर होगी, जो हमारे हक में लिखी होगी वो मिल जाएगी। हाँ जी, कोई मतलब का दुख अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ किस्मत होगी वहाँ हो जाएगी। सब चुप करके बैठे हूँ, मैं बोल रही हूँ इसीलिए मैंने शायद कहा भी नहीं। मैं तो बड़ी खुशी है, मेरे पोत्र के बारे का ही भी नहीं है, नहीं दिती इन्हें तो ना दे। मेरा पोत्र पढ़िया लिखिया होया माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे मैनू ते जेड़ा ना, मैं तो आप दे पोत्र रंगा कोई बना भी नहीं सकती, ते मेरी नजरां को भी कोई नहीं। बिल्कुल, मैं तो अल्लाह पाक तू डर दे ते मैं वेहनी हाँ आवा दी औलाद अल्लू जो मेरी नजर ना लगे। हाँ जी, हाँ अल्लाह का शुक्र। चलो आज की बस खत्म होगी बात, आज की वीडियो लंबी हो रही, मैंने नमाज के लिए भी जाना, उससे पहले पहले आप कमेंट शामिल कर ले। हाँ जी, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, जो भाई आपकी किस्मत में होगा ना इंशाल्लाह मिल जाएगा, अब बाप पर खुद है। हाँ, आज के जो हमारे देखने वालों के कमेंट है उसमें सबसे पहले हमारी सिस्टर है नबीला चकवाल से, वो कह रही है मेरे अबू के लिए दुआ करना। उसके बाद है सबीना, वो कह रही है दुआओं में याद रखना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करें कि मेरी शादी मेरी पसंद से हो। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहो। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी सासू माँ के लिए दुआ करना, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और मेरे देवर का रिश्ता जहाँ किया है वहाँ हो जाए, अम्मी से दुआ करवाना। तो जी सिस्टर, अम्मी जी और फातिमा मेरे साथ हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। उसके बाद हमारी सिस्टर है इशरत जम्मू कश्मीर से, वो कह रही है दुआ करना। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही है दुआ करना, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करे। उसके बाद है बिस्मा, वो कह रही है प्लीज मेरे लिए दुआ करें। उसके बाद है नूरीना, वो कह रही है दुआ करना, अल्लाह इस नेक महीने के सदके मुझे औलाद दे। उसके बाद है सारा, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। उसके बाद है नीलो फर, वो कह रही है मेरे बच्चों की उम्र दराज हो और मेरे शौहर की उम्र दराज हो, दुआ करना। उसके बाद है राबिया, वो कह रही है प्लीज मेरे लिए दुआ करना। उसके बाद है रुबीना सिस्टर, वो कह रही है मेरी भांजी संदस के लिए दुआ करना, उसका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। उसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करो अल्लाह इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के दरवाजे खोल दे। जी सिस्टर। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे अबू को ठीक कर दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे मामू ने बिजनेस शुरू किया है, दुआ करना चल जाए। उसके बाद है सवेरा पठानी, वो कह रही है दुआ में याद रखना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करो अल्लाह मुझे खैर से बच्चा दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरा शोहर बाहर होता है, उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियां दूर करे और वो जल्दी वापस आ जाए। तो उसके बाद हमारी जो सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद है फातिमा क्वेटा से, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी मेरी पसंद से हो। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है फलस्तीन के लिए भी दुआ करना, फलस्तीन के बच्चों के लिए भी दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे वालदैन के लिए दुआ करें। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दो। उसके बाद है फरत, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करो कि मेरे बच्चों का काम लग जाए। उसके बाद है अफसाना सऊदी अरब से, वो कह रही है प्लीज मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह इस रमजान के सदके मुझे बेटा दे। उसके बाद है फातिमा, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी हो जाए। उसके बाद है नगमा, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर है रजिया इंडिया से, वो कह रही है प्लीज मेरे लिए दुआ करना, मेरे सर में दर्द रहता है। उसके बाद है रानो सिस्टर इंडिया से, वो कह रही है दुआ करें मेरा घर बस जाए। उसके बाद हमारी सिस्टर है सनोबर, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करो अल्लाह नसीब अच्छा करे, अम्मी
से भी करवाना। उसके बाद एक और सिस्टर है फायदा, वो कह रही है मेरे दिल की जो खास दुआ है अल्लाह कबूल फरमाए। और ये हमारी सिस्टर कह रही है कि जब आप बाबा फरीद दरबार पर जाएं तो उधर भी जाकर मेरे लिए दुआ करना। और भी एक दो सिस्टर हैं भाई, वो कह रही थी कि आप उधर जाएं दरबार पर हमारे लिए दुआ करें, तो हम इंशाल्लाह ईद पर जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद वाले दिन ईद पर जाएंगे तो फिर सबके लिए उधर दुआ करेंगे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है अनीला साजिद उनका नाम है, वो कह रही है मेरे शोहर के कारोबार के लिए दुआ करें, फातिमा और अम्मी से भी करवाना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है अल्लाह मुझे बच्चा दे दुआ करना। उसके बाद हमारी सिस्टर है जर्मनी से, वो कह रही है दुआ करें अल्लाह मुझे बेबी दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दो अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है हमारा घर जल्दी तैयार हो जाए दुआ करना। उसके बाद एंड पर एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करना अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली लंबी जिंदगी दे आमीन। तो अभी सबके नाम शामिल हो गए, अब हम दुआ करते हैं। चलो फातिमा ऐसे करो हाथ, अम्मी जी आप भी करें। या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफत और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना आमीन। चलो फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़ करो।